हाय स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए ले लाए हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन का क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत रासायनिक श्रेणी जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसको समझाइए, या विद्युत रासायनिक श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। तो इसकी कुछ छोटी सी डेफिनेशन जो कि आप समझ लीजिए। विभिन्न धातुओं को उनके मानक अपचयन विभिन्न धातुओं को उनके मानक अपचयन वेवों के क्रम में रखकर विभवों के क्रम में रखकर एक श्रेणी बनाई गई है, जो कि धातु की क्रियाशीलता को दर्शाती है। इस श्रेणी को ही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, जो कि निम्न है। छोटी सी इसकी ये डेफिनेशन है, काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसका लिथियम का सिंबल होगा आपका Li, पोटेशियम का K, बेरियम का Ba, स्ट्रॉन्शियम का Sr, कैल्शियम का Ca, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, और आपका मैग्नीज का Mn, जिंक का Zn, और क्रोमियम का Cr, आयरन का Fe, और कैडमियम का Cd। थोड़े से आपके इस तरफ हैं Co, कोबाल्ट, Ni, निकल, टिन, Sn, लेड, Pb, हाइड्रोजन S2, कॉपर Cu, और Hg जो है आपका मरकरी, तारा 12, और सिल्वर Ag, और प्लेटिनम Pt, और गोल्ड सोना Au। तो और इसको याद करने की जो ट्रिक है, जिस तरीके से हमने याद किया था, आप अगर कर पाए तो देख लीजिए, वरना रट लें। तो ये है ली का बा सर का ना मग अल मन मग अल मन जन कर फी कड को नी सन पब हु कौआ हैगा आगे पीटी आऊ। ठीक, एक बार हम इसको लिख देते हैं। देखिए ली ली कैसे हो गया का बा सर सी आर सी का और ना Mg का हो गया आपका मग, Al सा हो गया आपका अल, Mn सा हो गया आपका मन, और Zn मन जन, Cr सा हो गया आपका कर, Fe, Cd सा हो गया कड, को नी सन पब हु कौआ हैगा आगे पीट Au से आऊं। तो भैया आप ली का बा सर का ना मग अल मन जन कर फी कड को नी सन पब हु कौआ हैगा आगे पीटी हूं।
ठीक है। और इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा, अगर 2 नंबर में आता है तो सिर्फ उतना ही, और अगर 4 नंबर में आएगा तो आपसे इस प्रकार पूछ लिया जाएगा कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोगों को भी लिखिए, या वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग क्या हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की क्रियाशीलता का बोध होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातु की क्रियाशीलता का बोध होता है। नंबर 2, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विस्थापन अभिक्रिया पूर्ण होती है। इसका आप पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है विस्थापन अभिक्रिया के ऊपर, आगे देख लेंगे इसका क्वेश्चन। इसकी सहायता से धातु के मानक अपचयन विभवों को आसानी से ज्ञात हो जाते हैं। इसकी सहायता से धातु के मानक अपचयन विभव आसानी से ज्ञात हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें, जो कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं क्या हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं भी लिखी। इस तरीके से आपसे अगर 4 नंबर में आता है तो पूछ लेगा, 1 नंबर नहीं करने का आपका, अगर आप इतना लिख देंगे तो। नंबर 1 है इसकी विशेषताएं जो हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातु की क्रियाशीलता का क्रम आसान हो जाता है, क्रियाशीलता का जो क्रम है आसान हो जाता है उसकी सहायता से वैद्युत रासायनिक श्रेणी की। नंबर 2, जो धातु वैद्युत रासायनिक श्रेणी के ऊपर स्थित होते हैं, जो धातु वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित होते हैं, वह अपने से नीचे वाले को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है। और लास्ट पॉइंट आपका, हाइड्रोजन केवल कॉपर, मर्करी, सिल्वर, प्लेटिनम तथा सोने को ही विस्थापित कर सकता है। हाइड्रोजन केवल कॉपर, मर्करी, सिल्वर, प्लेटिनम तथा सोने को ही विस्थापित कर सकता है, तथा शेष सभी धातुएं हाइड्रोजन को ही विस्थापित कर देती हैं। आज के लिए बस इतना ही, बने रहें हमारे चैनल से ताकि आपको क्लास 12 की सभी वीडियो मिल पाएं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें।